हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे साथियों, एक और नई पैरामेडिकल वैकेंसी को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये आपकी जो वैकेंसी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यानी कि आपके KGMU के द्वारा निकाला गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें लगभग सभी पैरामेडिकल के जो पोस्ट है इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी ये वैकेंसी जेन्युइन है या फिर फेक है। तो उसके लिए आपको KGMU कैरियर सर्च करना है गूगल पे जाके, और वहां पे जैसे आप सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सीरियल नंबर 1 पे लिखा हुआ है नवंबर 16, 2024, यानी कि जो आपकी वैकेंसी है 16 नवंबर 2024 को रिलीज कर दी गई है। और वैकेंसी या फिर जॉब का जो टाइटल है नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिस। और जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे या फिर कहिए कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, जैसे ही आपका ये पेज होगा तो यहाँ पे एक पेपर कटिंग के माध्यम से भी आपको एक नोटिस दिया गया है, और साथ साथ में आपको एक PDF के रूप में भी नोटिस मिल जाएगा। तो एक में क्या है, एक में टीचिंग जो आपका नोटिस है वो दिया गया है, जिसमें पूरी वैकेंसी के बारे में बताई गई है, और दूसरा जो आपका है सिलेबस है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नोटिस देखेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से निकाली गई है, कितने नंबर में वैकेंसीज है, कौन कौन से पोस्ट इंक्लूड किए गए हैं, इनके बारे में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद में दूसरे वीडियो में हम लोग प्रत्येक जो हमारा पैरामेडिकल का पोस्ट निकला है उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, और साथ में लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेज ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, PDF ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ देखने को मिलेगा और इसका एक लोगो देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे मिल जाएगा क्या, इनका जो नोटिस नंबर है, यानी कि नोटिस जो है नंबर 230-230 रिक्रूटमेंट सेल 2024 डेट 22/10/2024, इसके माध्यम से आपकी जो वैकेंसी है इस नोटिस के माध्यम से आपका वैकेंसी निकाला गया है। और साथ में बच्चों यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया है कि लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन, यानी कि कब तक आपका लास्ट डेट है आपके फॉर्म का फिल करने का। तो आपका December 31, 24, यानी कि 31 दिसंबर 2024 के बाद आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। तो जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, आप दिसंबर मतलब कि 31 दिसंबर से पहले फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में कहाँ पे एक बच्चों स्पेशल नोटिस भी दिया गया है कि एक आपकी जो वैकेंसी थी कुछ इस नंबर के साथ में, ये वैकेंसी जो है फिलहाल कैंसिल कर दी गई है, ठीक है। तो ये आप मत समझिएगा कि आपकी ये जो वैकेंसी ये कैंसिल हुई है, इससे पहले कोई वैकेंसी निकली थी उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, और लास्ट में आपकी जो है ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है 16 नवंबर 2024 को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो पोस्ट है वो शामिल किए गए हैं। सबसे पहली बात आपने देखा कि हमारा जो वैकेंसी है जेन्युइन है, उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पे लास्ट डेट देख लिया तो आपका क्या है, ठीक है, 31 दिसंबर 2024 है। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और इनकी जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि क्या योग्यता मांगा गया है, क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसके बारे में आप यहाँ पे देख पाओगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लैब टेक्नीशियन का देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशली लैब टेक्नीशियन पे काम करते हैं, और उसके बाद में अन्य प्रकार की जो पैरामेडिकल वैकेंसी है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, तो आपका कुछ इस प्रकार से नंबर हो जाता है वैकेंसी का, और इसमें जो टोटल सीटें हैं 29 है, ठीक है। जनरल की अगर बात किया जाएगा तो आपका 14 है, और PWH की 2 सीट है, और OBC की आपकी 7 सीट है, और आपकी SC की 6 सीट यहाँ पे रखी गई है। तो टोटल जो आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है, यानी कि जो लैब के लिए है, 29 पोस्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, योग्यता क्या मांगा गया है, तो इसमें सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, यानी कि या तो आपके पास क्या हो BMLT हो, या फिर आपके पास यहाँ पे बी, ठीक है, BMLS हो, यानी कि बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी का जो साइंस वाला कोर्स जो यहाँ पे निकल के आया है, जो इस समय हो रहा है, उसका यहाँ पे डिग्री यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। साथ में एक चीज और भी यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि आपका है एक्सपीरियंस, और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच्ड विथ ये हॉस्पिटल हैविंग मैक्सिमम 100 बेड, यानी कि आपके पास 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में आपका 100 बेड के साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपने जो एक्सपीरियंस ली हो वहाँ पे 100 बेड के हॉस्पिटल
बने रहे हो वहां का आपका जो है ये एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का, उसके बाद में यहाँ पे 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपका 100 बेड के साथ में इंक्लूडेड हॉस्पिटल होने चाहिए। ठीक है, तो पहली आपकी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ये पोस्ट हो जाती है। और एक और भी यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए पोस्ट निकाली गई है जो कि आपका जो है 43 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। ये भी आपका लैब के लिए ही है, यानी कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल जो आपकी सीट है आपकी 7 है, और जनरल की आपकी 5 सीट है, ओबीसी की 1 है, और आपकी एससी की जो है 1 सीट यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 10+2 होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 12th पास होने चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया है सब्जेक्ट भी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस स्ट्रीम से आप लोग 12th पास होना चाहिए ये मांगा गया है। फिर यहाँ पे मांगा गया है कि 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि उसके बाद में 12 पास होने के बाद में आपके पास डीएमएलटी होना चाहिए। बस एक चीज ध्यान रखना, डीएमएलटी आप कोई ऑथराइज्ड सेंटर से किए हो, यानी कि वो चाहे आप सेंट्रल से किए हो या फिर आप कहीं और जगह से किए हो, मतलब कि कोई अदर स्टेट से किए हो, वो भी आपका यहाँ पे माना जाएगा। कोई भी स्टेट से आप लोग डीएमएलटी किए हो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया, 1 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच विथ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड, यानी कि यहाँ पे फिर क्या किया गया, 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया गया है, और ये होना चाहिए किसके साथ में, 100 बेड के साथ में यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है, 100 बेड यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जो सीनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या फिर जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है उसमें हमारा बीएमएलटी मांगा गया है प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है 100 बेड के साथ में, और जबकि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है इसमें डीएमएलटी मांगी गई है प्लस 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है किसके साथ में, 100 बेड के साथ में। ठीक है, तो ये जो हमारे थे 2 मेन वैकेंसी थी लैब टेक्नीशियन के लिए जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा मोटा मोटा हम लोग और वैकेंसी के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे पैरामेडिकल में शामिल है। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट पे है 30 नंबर का जो है पोस्ट है, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के साथ में आपका निकाला गया है, ये है आपका टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें आपका जो है टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन का। ठीक है, और इसमें जो योग्यता मांगी गई है आपकी बीएससी डिग्री होनी चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट के साथ में, ये आपकी योग्यता यहाँ से मानी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में टेक्नीशियन है आपका रेडियोलॉजी के, किसके, रेडियोलॉजी के टेक्नीशियन कहिए या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हो एक्सरे के टेक्नीशियन होने चाहिए। तो एक्सरे की जो पोस्ट निकली है वो आपकी है टोटल 49 सीटें, और जनरल की आपकी 21 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी की यहाँ पे 13 है, और एससी की आपकी 10 है, और एसटी की आपका 1 सीट यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन क्या है जरूर सुनिएगा इसको अच्छे से, इसमें आपका सबसे पहले 12 पास होना चाहिए। ठीक है, पहले आप 12 पास हो वही आपका जो है साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, उसके बाद में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, जो कि आपका यहाँ पे रेडियोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन वाला कोर्स यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, देन उसके बाद में 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए रेडियोग्राफर, यानी कि 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए भाई, 12 पास रहो पहली बात, उसके बाद में आपका यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन का क्या होना चाहिए डिप्लोमा, एक्सरे टेक्नीशियन का हो या फिर आप यहाँ पे रेडियोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का। देन उसके बाद में 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे 100 बेड का कोई मतलब नहीं रखा गया, मतलब कि आपके पास 100 बेड के हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज आपके रेडियोलॉजी वाले में नहीं इंक्लूड किया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट्स डिप्लोमा नहीं किया है, अगर उसके पास बीएससी की डिग्री है बीएससी रेडियोग्राफी वाली, तो वो आपकी यहाँ पे चल जाएगी, आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, तो टोटल 49 सीट है, काफी सीटें हैं आपके एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करिए। उसके बाद में आपका टेक्नीशियन है रेडियोथेरेपी का, जिसमें आपकी टोटल 20 सीट है, जिसमें जनरल की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 5 है, एससी की आपकी यहाँ पे 4 सीट है। ठीक है, इसमें क्या मांगा गया, इसमें 10+2 स्ट्रीम होना चाहिए साइंस का, फिर आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा किसमें, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का, किसमें, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के क्षेत्र में। ओके बच्चों, चलिए सॉरी,
अब यहाँ पे हम लोग अगला देखते हैं, टेक्नीशियन ऑफिसर है आपका ऑप्थमोलॉजी का, जिसमें टोटल 4 सीटें हैं, जनरल का 3 है यानी कि 3 है, और ओबीसी का 1 है, हाँ ओबीसी का 1 है, ठीक है, तो टोटल 4 सीट होगी। बीएससी आपका होना चाहिए ऑप्टोमिक टेक्नीशियन का, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट में कोई अगर डिग्री है तो भी आपका इसमें चल जाएगा, ओके। फिर अगला आता है आपका टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी क्या क्षेत्र में, ठीक है, ईएनटी यानी कि नाक कान गले वाले जो होते हैं, इसमें टोटल 4 सीट है, जनरल का 3 है और ओबीसी का 1 सीट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्वालिफिकेशन वही है कि बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आपका बीएससी डिग्री होता है स्पीच एंड हियरिंग वाले में, वो आपका पास डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर डिजायरेबल मांगा गया है बीएससी अगर ऑनर है स्पीच एंड हियरिंग में तो भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद में क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल न्यूरो, ठीक है, न्यूरोलॉजी ईएनटी, यानी कि अगर आपके पास, ठीक, ये डिग्री नहीं है और अगर आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आपके एक हॉस्पिटल में तो भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं है, बैचलर डिग्री होने के साथ साथ में आपके पास एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, अगर है तो आपके लिए बेस्ट है, ये बताया गया है। ये मत सोचिएगा कि केवल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस फील्ड के लिए। लैब टेक्नोलॉजिस्ट का आप लोगों ने देख लिया, दो पोस्ट है, एक सीनियर और एक जूनियर के लिए, इसको आप लोगों ने देख लिया। फिर आपका यहाँ पे ओटी असिस्टेंट का है, ओटी असिस्टेंट लेवल 5 की जॉब है और यहाँ पे 65 पोस्ट निकाले गए, बहुत अधिक पोस्ट है बच्चों, आप लोग ओटी असिस्टेंट वाले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। जनरल के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 13 है और आपका एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी हो या फिर आपका 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग एरिया, यानी कि बीएससी किए हो, नॉर्मल बीएससी आप किए हो या फिर आप 12 किए हो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से 12 पास हो और आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ पे, ओटी में, आईसीयू, सीएसएसडीयू या फिर आपका मैनिफोल्ड रूम, ठीक है, एनेस्थीसिया रूम, ठीक है, इन सब में अगर आपका ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपी, कार्डियक कैथ लैब, अगर इनमें आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि ओटी असिस्टेंट के लिए कोई पर्टिकुलरली एक कह सकते हो कि टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी गई है, ठीक है, बीएससी रहो या फिर 12 पास रहो साइंस स्ट्रीम से, और अगर आप हॉस्पिटल फील्ड में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कह सकते हो कि टेक्निकल ओटी टेक्निकल का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन वो कई दिनों से, कई सालों से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर के साथ में लग के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फायदा उठा सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इस जॉब को वो ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे डिजायरेबल है, अगर आपके पास ओटी टेक्नीशियन की डिग्री है तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये मत सोचना कि भाई ओटी टेक्नीशियन की डिग्री हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास बीएससी है, 12 पास हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ओटी टेक्नीशियन का डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है, यानी कि सर्टिफिकेट हो या फिर डिप्लोमा कोर्स ओटी टेक्नीशियन का, तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद में आपका, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ओटी टेक्नीशियन के साथ साथ में एक एक्सपीरियंस है कि वर्क एक्सपीरियंस शैल बी कंसीडर इफ द कैंडिडेट हैज वर्क इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल एटलीस्ट 500 मिनट, ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया है, चाहे वो सर्टिफिकेट का हो या फिर डिप्लोमा का हो, ठीक है, वो यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, 500 बेड के साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, लगभग आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आपका यहाँ पे चल जाएगा, 6 मंथ का है तब भी आपका चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बात है ये इंक्लूड नहीं की गई है कि कितने वर्ष का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा जाएगा। इसमें दूसरा वाला जो आपका यहाँ पे कह सकते क्वालिफिकेशन बताया गया है, जिसमें आपका डिप्लोमा लिया जा रहा है कि हमारे पास ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है तो हमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 500 यानी 500 बेड का आपका कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां से आपके पास अगर 6 महीने साल भर का अगर एक्सपीरियंस है तो आपका यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद का आपका टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन के क्षेत्र में आपका निकाला गया, 4 सीट है, उसी प्रकार से आपकी यहाँ पे जो है जो भी डिप्लोमा इस क्षेत्र में होता है उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद में आपका टेक्नीशियन है डेंटल का, डेंटल में 4 सीटें हैं, तो डेंटल वाला जो भी आपका क्वालिफिकेशन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में डायलिसिस का 36 सीट है, तो ठीक ठाक है, जनरल के लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए आपका 9 है, एससी के लिए आपका यहाँ पे 7 है, ठीक है। बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आपका बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
अगर आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पे हासिल की है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो, या फिर आपके पास बीएससी विद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 ईयर एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है डायलिसिस वाले टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तब भी आपका चल जाएगा, अगर नहीं है तो आपके पास जनरल बीएससी हो प्लस आपके पास डिप्लोमा हो डायलिसिस टेक्नीशियन का और उसके बाद में आपका 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका होना चाहिए, जहाँ पे 20 डायलिसिस यूनिट होने चाहिए, यानी कि सॉरी बच्चों जहाँ पे 20 यूनिट है आपके डायलिसिस का, जो भी हॉस्पिटल है उसमें 20 यूनिट कम से कम होने चाहिए, वहां का आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन मैच खा रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर है, जिसमें आपका ग्रेड 2 का है, लेवल 6 का यहाँ पे आपका जॉब है, जिसमें आपकी मास्टर डिग्री सोशल वर्क का यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद में एक्सपीरियंस भी है आपका वेलफेयर, इसमें कोई एजेंसी वगैरह में या फिर एनजीओ वगैरह में आपने यहाँ पे वर्क किया है तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपका ठीक है रिसेप्शनिस्ट है, उसके बाद में आप देख लीजिएगा जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशन जो अभी आपका डिप्लोमा है इसको देख लीजिएगा। फिर जो मेन वैकेंसी है वो आपके यहाँ पे किसकी है, ये आपकी फार्मासिस्ट की है, यानी कि हमारे जो फार्मासिस्ट लोग हैं उनका भी यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, इनकी वैकेंसी बहुत ही कम आती है, ठीक है, लेकिन आपकी भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, लेवल 5 की ग्रेड 2 की पोस्ट है, 38 यहाँ पे आपके जो पोस्ट है वो निकाले गए हैं, जनरल की आपकी 18 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की आपकी 10 सीटें हैं, ठीक है, और उसके बाद में एससी की आपकी 7 सीट है। और यहाँ की अगर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और ये जो आपकी फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट, ठीक है 1948 का जो एक्ट है इसके साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि फार्मेसी काउंसिल से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फार्मासिस्ट वाले पोस्ट को फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तब भी आपका यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पे एक चीज और है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, यानी कि 2 वर्ष का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है ये, मतलब कि ये डिजायरेबल है, मतलब कि अगर आपके पास ये है तो भी ठीक है, 2 वर्ष का अगर एक्सपीरियंस है तब भी सही है, ठीक है। तो ये मत समझना कि अगर हमारे पास जो बैचलर की डिग्री है फार्मासिस्ट के लिए, बैचलर की डिग्री है तो हमारे पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बैचलर डिग्री है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है तो और बेटर हो जाएगा। अगर आपके पास केवल का केवल डिप्लोमा है फार्मासिस्ट के क्षेत्र में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आपका बैचलर डिग्री और साथ साथ में आपका यहाँ पे कुछ और जो 2 ईयर के कह सकते हो कि डिप्लोमा कोर्स है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई वैकेंसीज के बारे में, कितने पैरामेडिकल की वैकेंसी शामिल की गई हैं और कौन कौन सी सीटें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। हमने ब्रीफ से जो आपको बताया है वो आपके मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का, रेडियोलॉजिस्ट का, फार्मासिस्ट का, इन सबका हमने ब्रीफ में डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया गया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें और अच्छी तरीके से इस पीडीएफ को पढ़ना है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो पीडीएफ है बहुत ही अच्छे तरीके से पहुँच गया है, वेबसाइट का लिंक पहुँच गया है, जाके फॉर्म को फिल भी कर सकते हो और पीडीएफ को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमारा जो एज लिमिट है वो कितना है, साथ में हमें फी कितना पेमेंट करना होगा, इन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फी में अगर आप जनरल से हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से हो तो एप्लीकेशन का जो फी है 2000 है, यानी कि 2000 रुपये आपकी फी है, और इसमें आपकी जीएसटी भी इंक्लूड की गई है 18%, 360 की। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे फी की भाई तो थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ रहा है कि 2000 रुपये एक फॉर्म को फिल करने का, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए ज्यादा ही है। तो 2000 भाई इनका फीस है प्लस साथ में इन्होंने 18% की जीएसटी भी इंक्लूड कर दी है, 360, तो टोटल आपका यहाँ पे ठीक है 2360 रुपये पड़ जाएंगे फॉर्म को फिल करते समय, ठीक है। उसके बाद में क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग रिजर्वेशन, जिस प्रकार से आपका रिजर्वेशन इसमें दिया गया है वो आपको देख सकते हो, ठीक है। जो छूट दी गई है दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, फ्रीडम फाइटर वालों के लिए, फीमेल जेनर के लिए इसमें आपका दिया गया है 4% आपका दिव्यांगजन है, ठीक है, 5% आपकी एक्स सर्विसमैन का है, जो आपके फ्रीडम फाइटर वाले हैं 2% का है, और फीमेल
जेंडर के लिए आपको 20% की यहाँ पे आपको हॉरिजेंटली छूट यहाँ पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आपका क्या गया है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो भी आपका क्वालिफिकेशन वहां पे दिया गया है, ये आपके पास एलिजिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर फॉर्म भरने के बाद आपने एग्जाम दे दिया और सीबीटी में आप इस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा, ये बातें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का, जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ वहां से पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका एज लिमिट। तो देखिए एज लिमिट जो है वो कंसिडर किया जाएगा 1 जुलाई 2024 से। पहली बात क्या है, 1 जुलाई 2024 से एज को कंसिडर किया जाएगा। और इसमें जो एज है वो आपका कितना रहेगा भाई, वो आपका जो है 18 से लेकर 40 वर्ष तक यहाँ पे दिया गया है। कितना, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक यहाँ पे जो एज है वो आपका यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत जो भी अपने क्षेत्र में रिलैक्सेशन दिया गया है वो यहाँ पे आपका दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कितना एज में छूट है, वैसे 18 से 40 कम नहीं है भाई, बहुत है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस, वही जो भी आप हमेशा फॉर्म को फिल करते आए हो, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए, स्कैन करना होगा, अपलोड करना होगा। देन उसके बाद में आप क्या करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद में अपना जो है फाइल जो है फाइल कहिए या पीडीएफ जो है रिसीव करोगे, साइन इन करोगे, फिर अपना कंप्लीट एप्लीकेशन करोगे, देन उसके बाद में पेमेंट करोगे, फिर फाइनल सबमिशन कर दोगे, उसके बाद में आपका जो है फॉर्म जो है वो आपका फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेंशन 10 नंबर का एप्लीकेशन रिसीव विदाउट ठीक है अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन एज पर इंटरनल नोटिफिकेशन लेबल एज ए रिजेक्टेड। यानी कि ये कह रहा है कि जब आपने फॉर्म को फिल किया तो उस समय जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है या फिर कहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे गए हैं, अगर आप लोग उसको अपलोड नहीं करते हो, फिर अगर आप लोग सबमिट नहीं करते हो, तो इस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपका जो एग्जाम होगा वो आपका सीआरटी बेस्ड होगा, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेस पे होगा। 2 घंटे का आपका जो पेपर है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा और जो मैक्सिमम मार्क रहेगा वो आपका 100 मार्क का रहेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2 घंटे का भैया आपका पेपर होगा और 100 मार्क यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे, मतलब कि 100 मार्क रखे जाएंगे, जिसमें आपका जो है 60 नंबर यानी 60 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्ट से होगा। जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, अगर आपने फार्मासिस्ट के लिए किया तो 60 मार्क आपको फार्मासिस्ट का पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने डीएमएलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन वाला अप्लाई किया तो 60 मार्क आपको लैब टेक्नीशियन के लिए पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपका जो 40 मार्क है वो नॉन टेक्निकल, यानी कि इसमें आपका जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है और आपका मैथमेटिक एप्टीट्यूड, यानी कि 10 नंबर यहाँ पे सारे इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि क्या होगा, 60+40 के बेस पे आपका जो एग्जाम हुआ है कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 60% आपका टेक्निकल और 40% आपका नॉन टेक्निकल यहाँ पे होगा। एक चीज बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत लोग ईएसआईसी वाले एग्जाम में गलतियां कर बैठे थे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क ऑफ सीआरटी आर 50% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट और 45% एससी एंड एसटी कैंडिडेट। यानी कि जब आपने एग्जाम दिया तो एग्जाम आपका कितने नंबर पे हुआ है, 100 नंबर का हुआ है, तो इसमें से आपको 50 नंबर लाने हैं, यानी कि 50% मार्क आपको लाना होगा, तब जाके आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका बनेगा। यानी कि अगर आप इस 50% में नहीं है तो आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, मतलब कि आप फेल हो चुके हैं। 50 से अगर नीचे आ रहे हैं तो आप फेल हो चुके हैं, आपका कोई वैल्यू नहीं है, और 50 के जो ऊपर है उन सभी का मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप उसमें आ जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर उस सिलेक्शन मतलब कि उस मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्वालिफिकेशन जो मार्क है वो आपका 50% है लगभग सभी के लिए और केवल 45% है एससी एसटी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो लास्ट पॉइंट है देख लेते हैं। फिर वही आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद में आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का कराओगे, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि हर एक जगह पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, चाहे आप एग्जाम देने जाओगे, चाहे आप यहाँ पे अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो वहां पे आप है, वहां पे भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, या फिर जब आप जॉब करोगे, ठीक है, आपकी अगर नौकरी लग गई है उसके बाद में समय समय पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता रहेगा। ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये समझा दिया है
कि वैकेंसी कहाँ की है, कितने पोस्ट निकाले गए हैं, कैसे फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, कितने नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, समय क्या दिया जाएगा, एज लिमिट क्या है, मतलब सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बचता है कि इन सभी पोस्ट के सिलेबस के बारे में, ठीक है, ये जो आपके आए हैं सभी पोस्ट उनका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के लिए हम दूसरा एक लेक्चर वीडियो बना देंगे, लेक्चर वीडियो मतलब एक नोटिफिकेशन वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। साथ में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है उसी वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी लेक्चर्स का लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इन सभी वैकेंसीज में कोई क्वेरीज है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी भाई, इसको आप क्या कर सकते हो, इस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ये जो आपकी वैकेंसी आई है इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।